हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि 29 अप्रैल 2023 को होगी, ये क्लास 6 के लिए, जिसमें हमने आज मानसिक योग्यता के पूरे 40 प्रश्न लिए हैं। जैसा कि आपको पता है, इसमें 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसमें प्रत्येक से चार चार प्रश्न लिए जाते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला अगर खंड आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो पहला खंड है, और इस पहले खंड की विशेषता है कि इसमें ये आपको देखिए चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में तीन विकल्प एक जैसे हैं और एक विकल्प इनसे अलग है, और उस अलग विकल्प को आपको छांटना है। ये काफ़ी आसान होता है और इसमें बच्चे पूरे के पूरे नंबर लाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चौथा वाला अलग है, क्यों? इस लाइन में देखिए इसमें तीन है, यहाँ पर जो इसका शीर्ष है इसमें देखिए चार हैं, यहाँ पर चार हैं और यहाँ पर आपके चार हैं, तो यहाँ पर तीन इसलिए सबसे अलग है, तो एक का चौथा यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, आप तुरंत इसका कमेंट कीजिए, और आप दूसरे में आप इसमें देख रहे होंगे जो सबसे अलग है वो पहला ही है। क्यों पहला अलग है मैं आपको बताया दे रहा हूँ। ये देखिए, सभी में ये जो आपका ये बना हुआ है इसकी अंदर है, ये भी देखिए दोनों के अंदर है, ये भी दोनों के अंदर है, जबकि ये देखिए बाहर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, तीसरे प्रश्न का भी आप लोग विकल्प का जो आंसर आप लोग जरूर करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसे भी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो तीसरा है, सभी की आँखें लंबी हैं जबकि इसमें इसकी आंखें गोल हैं। रही बात प्रश्न चार की, चार में देखिए इसमें दो वृत्त बने हैं, यहाँ पर दो वर्ग बने हैं, दो त्रिभुज बने हैं, यहाँ पर एक वर्ग और एक त्रिभुज बना है, इसलिए ये बिल्कुल अलग है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा सबसे अलग वो चौथा वाला होगा। अगर मैं बात करूँ दूसरा प्रकार, दूसरे प्रकार में कहा जा रहा है कि दूसरा खंड है, इसमें पहली जो आकृति दी गई है इनमें से ये चार आकृतियाँ दी गई हैं, और ये हूबहू कौन सी आकृति, यानी सदृश्यता ढूंढना है कि बिल्कुल इसके जैसी आकृति कौन है। तो पांचवें में आप देख लीजिए, दूसरे के अलावा और कोई ऐसी आकृति नहीं है जो पहली जैसी हूबहू हो। छठे में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा तिरछा कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर बना सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये सपाट ये तो मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए दोनों ब्लैक हैं, यहाँ पर मिल ही नहीं सकता ऐसा। तीसरे में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो बना हुआ है इसके बगल में बना, और इसमें भी एक ब्लैक और एक वैसा है, लेकिन ये अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता, चौथा हूबहू बना हुआ है। रही बात सातवें की, सातवें में अगर आप देखें तो दूसरा मिल रहा है, पहले में देखें दोनों ब्लैक हैं पहली बात, तो ये चौथा बिल्कुल ही अलग है। इन दोनों में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा लंबाई पे ले जा करके आगे बनाया, जबकि इसमें देखिए बिल्कुल बगल बगल और थोड़े से छोटे हैं, तो यहाँ पर सातवें में दूसरा वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां था, इसमें भी देखिए इसके सदृश ढूंढना है, तो आप इसको देखिए यहाँ से ये पूरा मिल ही नहीं पा रहा, अगर इसमें अगर हम मैचिंग करा रहे हैं तो ये देखिए वृत्त था वो भी मैच यहाँ पे नहीं हो पा रहा। देखिए तीसरा आपका हूबहू बिल्कुल मिल रहा, तो यहाँ से तीसरा आप कर लेंगे। रही बात तीसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार में एक आकृति बनाई गई, उसके चार भाग किए गए हैं और चारों भागों में से एक भाग गायब है, उस गायब भाग को चार भागों में बांट करके दिया गया है, यानी यहाँ पर कौन सा भाग आएगा। थोड़ा सा अलग रहता लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता कि आप इसे ना मिला पाए, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ से बहुत आसानी से इन आकृतियों को आप पूरा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे ये इसके सदृश बने तो इसके जैसी यहाँ पर आएगी, तो अब आपको देखना कि कौन सी ऐसी आकृति जो नीचे की ओर दबी हुई इस साइड से अंदर की ओर आनी चाहिए। तो नवे में देखिए दूसरे के अलावा और कोई ऐसी आकृति है नहीं जो इसको मैच कर रही हो। रही बात दसवें की, दसवें में भी आपको इस आकृति से इसको देखिए इसका इसका सामना है, तो ठीक इसी प्रकार से इस ओर मिलान होना चाहिए। इसका मतलब जो कोना है वो तीन भागों में बटा होगा, ऊपर आपका ये आकृति जो है मिलती हुई नज़र आनी चाहिए। तो दसवें में भी दूसरे के अलावा और कोई आकृति मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, अगर आपको मिलती तो आप ज़रूर इसे कमेंट करिएगा। ग्यारहवें प्रश्न में देखिए, ग्यारहवें में आपको सीधे सीधे ये देखना है यहाँ पर कौन सी ऐसी आकृति है जो इसको ला करके ये भी मिलाएगा
और ऐसे भी लाएगा और ये भी, तो ये गेरवे के अलावा और कोई ऐसा, गेरवे में का जो चौथा है इसके अलावा कोई आकृति मिल नहीं रही है। अगर बारहवें की बात करता हूँ तो बारहवें में भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा चित्र छूटा हुआ है आपका, मतलब ये यहाँ से मिलेगा भी ऐसे आकर के, फिर ये ऐसे आकर के ऐसे, मतलब मिलता हुआ नज़र आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बारहवें में आपको पहला वाला चित्र ही मिलेगा। रही बात अगले की, तो जो चौथा प्रकार है यहाँ पर दिया गया है 13 से 16 तक के प्रश्नों में ऊपर की 3 समस्या आकृति दी गई है, चौथी का रिक्त स्थान दिया गया, समस्या आकृति एक श्रृंखला में है, ढूंढिए नीचे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करती है, मतलब कि एक श्रृंखला बन रही है और उस श्रृंखला में आपको ढूंढना है कि आखिर ये श्रृंखला कैसे पूरी होगी जो कि आपको पीछे से नकल करके बनानी है। तो आइए देखते हैं कौन से वो प्रश्न है और समझाता हूँ कैसे इन्हें पूरा किया जाएगा। अब आपको ये चित्र दिया गया, इसको ये देखिए आप, ये देखिए, इसका ये मतलब यहाँ पर देखिए इस भुजा को झुकाया गया, यहाँ पर ये दोनों भुजाओं को कर दिया गया, यहाँ पर 3, तो अगली भुजा हमारी चारों झुकी हुई होंगी, मतलब कर्व टाइप की ये ऐसे आपको बनती हुई नज़र आनी चाहिए। तो 13वें में देखिए तीसरे के अलावा ऐसी तीनों में बिल्कुल बराबर, जिसमें झुकी हूँ वो ऐसी होगी, इसमें देखिए पूरी बनी हुई है, ये भी अलग बनी हुई और ये भी, तो इसका मतलब तीसरा हो जाएगा। अगर बात करें प्रश्न 14 का, इसका आंसर आप लोग तुरंत कीजिए। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ 3 भुजा, 2 भुजा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 भुजाएँ, 3, 4, इसका मतलब 5 भुजा होंगी, तो 5 इसमें आपकी देखिए 5 केवल यहीं पर हैं, बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कोई है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल यही ऑप्शन आपका सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ 15 की, तो 15वें में भी आप अगर देखें पहले त्रिभुज में एक वृत्त में एक त्रिभुज है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो अगले में 4 होंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 हैं, तो इसका मतलब 15 का जो है केवल तीसरा होगा और कोई होने का प्रश्न नहीं उठता बच्चों। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ 16वें की, तो 16वें में आप थोड़ा सा देखिए ये देखिए उठ करके यहाँ से यहाँ आया है, ये देखिए इसमें आ गया, और ये जो यहाँ था ये थोड़ा आधा ही जा रहा है, फिर ये यहाँ से उठ करके देखिए यहाँ आता है, अब यहाँ से ये उठ करके बच्चों यहाँ चला जाएगा और जो वृत्त है वो यहाँ पे आएगा, तो ठीक इस प्रकार से केवल और केवल चौथे के अलावा अन्य कोई यहाँ पर विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। बात करता हूँ 5वें प्रकार की, तो 5वें प्रकार में दिखाया जा रहा 17 से 20 तक के प्रश्नों में बाईं तरफ एक दर्पण है और उस दर्पण में इसको कैसे देखा जाएगा। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि दर्पण के जितने भी प्रश्न होते हैं दाएं का बाएं और बाएं का दायां हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर पलटेगा तो यहाँ से आपको टी बनेगा, तो देखिए टी जैसा बनता है सब में, तो इसमें तो टी है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इन दोनों में टी है। फिर इसके बाद जो यस है ये देखिए थोड़ा सा उल्टा सा यस आपका बना हुआ नज़र आएगा और ई जो है वो पलट जाएगी, ठीक है, तो ई आपकी पलट जाएगी, और उसके बाद पुनः देखिए टी है तो फिर वो टी बनाएगा, टी के बाद ए है, ए भी आपका वैसे ही रहेगा, यहाँ पर देखिए ई उल्टा हो चुका, इसका मतलब 17 का पहला होगा, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न सामने है, यहाँ पर 2 पत्तियाँ हैं और 2 पत्तियों को पलटना है, तो ये देखिए दाएँ से बाएँ जब पलटेगी ये वाला, तीसरे के अलावा अन्य कोई विकल्प आपके समझ में नहीं आ रहा। इसमें भी जब आप 19 में देखेंगे तो 19 में अब ये वाला यहाँ से पलट करके देखिए ऐसे दाएँ का बाएँ, बाएं का दाएं ये वाली बदलती हुई, आपको ये चीज़ें नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ पर जो आपका बदलता हुआ नज़र आएगा दोनों में अगर आप देखें तो ये आपका 19 का चौथा लगेगा, और ठीक इसी प्रकार से अगर आप 20वें को देखेंगे दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, जो यहाँ 2 पत्तियाँ इस साइड आप देख रहे हैं, अब ये दोनों पत्तियाँ इधर आ चुकी होंगी, ये पलटेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, पलटने का सवाल ही, तो देखिए दूसरे के अलावा और कोई यहाँ पर देखो 3 पत्तियाँ आ गई, यहाँ पर तीसरी अलग गायब ही कर दिया गया, तो बहुत स्पष्ट होते हैं प्रश्न जिन्हें आप समझ सकते हैं। 6 की अगर हम बात करता हूँ, एक कागज़ होता है, उस कागज़ को पहले मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद उसे खोला जाता है, खोलने के बाद उसमें कुछ मतलब पहले मोड़ा जाता है, मोड़ने के बाद तीसरे स्टेप में उसमें कुछ छेद किए जाते हैं, कुछ चित्र बनाया जाता है, फिर उसे खोला जाता है, और खोलने के बाद वो कैसा दिखेगा, इसी से संदर्भित प्रश्न रहते हैं। तो हम 21 लेते हैं, आपके सामने एक एक कागज़ का टुकड़ा था, इसे वृत्त को पहले मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद इसे पुनः मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद फिर इसको यहाँ पर ये देखिए काटा गया है, और काटने के बाद 21वें को जब खोला जाएगा तो एक कैसा नज़र आएगा, यहाँ पर दोनों जगह काटा गया है तो ये दूसरा नज़र आएगा। अगर मैं देखता हूँ अगला, यहाँ पर
इसको पहले पलटा गया, फिर इसको इस साइड से पलट दिया गया, पलटने के बाद यहाँ पर एक निशान लगा के छोड़ दिया गया। नहीं अगर प्रश्न समझ में आ रहा तो आप इसको अपने घर में इनको एक बार जरूर काट के देखिए, बिना काटे आप इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, ये बात मेरी आप लोग मान लीजिए। इसके बाद इसको देखिए पलटा गया, पलटने के बाद फिर इसको दोनों को पलट दिया, पलटने के बाद फिर इसको पलट करके ये देखिए पहले दो भाग किए गए, दो से चार किए गए, चार के बाद फिर पलट के काटा गया तो यानी आठ हो गया। तो जहाँ पर भी इसमें आठ बन रहे होंगे वही सही होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि आठ तो सभी में आ रहे हैं, लेकिन जो बीच में कटेगा एक जगह चार होंगे क्योंकि एक ही बिंदु पर कटा हुआ है, बाकी खुलेगा तो जहाँ पर चार एक जैसे हों तो तेईसवें सॉरी नहीं नहीं अलग अलग दिखेगा, एक ही जगह कहाँ, ये है एक जगह है तो ये थोड़ा अलग अलग दिखना चाहिए, मतलब चारों परतों पे इसको दिखना चाहिए और लगभग बराबर दूरी पर। तो चारों पे देखिए बीच का है पोर्शन तो ये पहला ही दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए पहले इसको एक आपका वर्ग है, वर्ग को कर्णवत जो है मोड़ा गया है, फिर उन्हें उसे पुनः मोड़ करके भाग बनाया गया, उसमें दो छेद कर दिए गए, इसका मतलब इसमें भी आठ जो चित्र बनेंगे और वो भी आपके थोड़ा सा छोड़ छोड़ के बनेंगे। क्यों, देखिए बीच में इधर थोड़ी जगह छूटनी चाहिए, तो चौथे के अलावा अन्य कोई विकल्प यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। 25 से 28 तक आपको यहाँ पर एक चित्र दिया जाएगा, इसमें दो से तीन चित्र होंगे और वो किसके अंदर समाहित हैं उन्हें ही आपको ढूंढना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा टुकड़ा है, ये देखिए ऐसा, इसमें दोनों टुकड़े कैसे कैसे जोड़ा जाएगा, तो ये देखिए तीसरे के अलावा अन्य कोई टुकड़ा बनने की काबिल ही नहीं है। अगला देखिए 26वें में आपके सामने ये तीन टुकड़े हैं कि इसमें जोड़े जाएँ जो पूरे पूरे बन जाए। अगर आप यहाँ पर इसी को देखें तो ये देखिए इसी पहले वाले में जोड़ दीजिए पूरा पूरा बन जाए, ये वाला टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगला अगर प्रश्न देखें तो यहाँ पर आपके पास चार से पाँच टुकड़े दिए गए हैं, एक दो तीन चार और एक बिंदु भी दिया गया है, तो इनको हम कैसे कर पाएंगे, तो इसको इनको देखिए हम तीसरे में जोड़ करके बना पाएंगे क्योंकि ये भी त्रिभुज आना चाहिए, ये भाग आना चाहिए, ये वाला भाग यहाँ से आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ से आपको मिल जाएगा। 28वें में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ये तीन चित्र हैं, तीनों चित्रों को जोड़ करके कौन सा चित्र बनाया गया होगा, तो यहाँ पर देखिए चौथा ही बनेगा। आप इसे ये देखिए ये वाला यहाँ से, ये यहाँ से, ये वाला चित्र दूसरा है यहाँ, ये दूसरा है, तीसरा ये है, तीसरा आपका यहाँ से ये मिल रहा है। जो सातवां प्रकार है इसमें आपको क्या किया गया है, एक एक चित्र दिया गया, अब ये इसमें ढूंढना ये चित्र किसके अंदर पूरा पूरा समाहित है, जिसको अगर आप खोल के देखें तो आपको पूरा पूरा ये दिखाई पड़े। इसके लिए आप थोड़ा सा अगर चौथे की तरफ आएँ तो आप देखिए ये वाला पूरा चित्र, ये वाला, ये देखिए ऐसे आपको इसके अंदर मिल जाएगा। रही बात तीसवें की, तीसवें का आप लोग जरूर कमेंट करिए और तुरंत बताइए, और तीसवां तो कोई भी देख लेगा, इतना सरल है कि पहले के अंदर ये देखिए पूरा ये वाला पोर्शन ये देखिए इसके अंदर समाया हुआ है। रही बात अगले की 31 की, 31 काओ भी थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ से उल्टा मत ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इसके बेस से मिला होना चाहिए, तो बेस से तो यहाँ भी नहीं मिला, बेस से यहाँ नहीं मिला, केवल और केवल चौथे में बेस से मिला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से प्रश्न चार वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 32 पूछ रहा है किसके अंदर कौन सा चित्र छुपा हुआ है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो चूँकि ये वाला पोर्शन देखिए थोड़ा सा लंबा है, फिर ये दोनों रेखाएँ ऐसे ऐसे आकर के बनाना है, तो आप ऐसा चित्र अगर आप देखें तो तीन में भी आप बना सकते हो। ये देखिए ऐसे 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 और ऐसे, ये देखिए बहुत आपको दिमाग कभी कभी लगाना पड़ेगा जिससे आपको ढूंढने में कठिनाई भी हो सकती है। अब तीसरे में जो अगला प्रकार हमारा नवा है, मतलब अंतिम से लास्ट वाला, इसमें दो दो समस्याएं आपकी एक जैसी दी गई होंगी, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखें बच्चों, यहाँ पर ये जो पोर्शन बन रहा है ये चारों में, उसी पोर्शन को ये पूरा कर दिया गया है और जो ये वृत्त बन रहा था उसे बीच में लाया गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें से देखिए सब में प्लस का निशान बना हुआ है, तो यहाँ पर मुझे प्लस का निशान तो बनाना ही पड़ेगा, और ये अर्धवृत्त है तो ये उसको पूरा वृत्त करना पड़ेगा, ये देखिए वृत्त आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है इसको थर्ड के अलावा अन्य कोई उत्तर आपको नहीं मिल पाएगा। रही बात 34 की, 34वें में आप देखिए
ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, बस इतना किया गया, लेकिन चित्र को थोड़ी मॉडिफाई भी किया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 35 में देखें तो ये वाला पोर्शन हम नीचे ले आएंगे और ये वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन एक ही तरफ को रखना है, इस साइड को ही। तो इसमें देखिए इस साइड को ये, लेकिन गोलाई इसमें लाना नहीं है, ये थोड़ा सा अलग बना दिया उससे, केवल और केवल पहले के अलावा इसमें आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर मैं 34 की बात करूँ तो 34 में भी आपको इस, अगर चित्र को देखेंगे आप इसको, तो इसको यहाँ पे ला के प्लेस कर देते हैं और इस वाले चित्र को सबसे ऊपर ले जा रहे हैं। इसका मतलब ऊपर वाले को हम लोग बीच में ला रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से 35 का अगर आप देखें तो 35 में अब आप इसको यहाँ लेके आएंगे तो इसमें देखिए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बाकी आपका इसमें नहीं आ रहा है। अब आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है, दूसरी चित्र अगर आप देखें इसका, तो यहाँ से इस वाले को देखिए पोर्शन यहाँ पर आपका चेंज हो रहा था, तो यहाँ पर ये पोर्शन यहाँ पर चेंज हुआ है और इसका भी यहाँ पर हम आगे जाके चेंज करेंगे, जैसे इसमें चेंज हो रहा था। तो यहाँ से एक के अलावा देखिए कोई दूसरा चित्र यहाँ पर बन नहीं रहा। अगर 36 की अगर हम बात करें तो 36 में भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप ये देखिए क्लाक वाइज इसमें हम तीर बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, तो ये वाला बढ़ेगा, जिसमें ऐसे बने हों, देखिए पहले में ये क्लॉकवाइज आपके बने हुए हैं और हालांकि क्लॉकवाइज तो कई में बने, लेकिन लंबाई को अगर आप देखें तो ये दोनों छोर आपके लंबाई के और विपरीत में भी होने चाहिए, लंबाई और विपरीत में भी हैं और बिल्कुल हूबहू, यानी इसकी नकल पहले इन्होंने किया था, तो चारों से बनता हुआ यहाँ पर भी आपको नज़र आ जाएगा। तो हमें 36 का पहला ही नज़र आ रहा, बाकी जिसमें लगभग एक जैसे सभी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन 36 का पहला यहाँ पे लगा लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, और 36 का तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दूसरा भी आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दूसरा वाला ऐसे बनेगा, अच्छा यहाँ ये नहीं बन सकता, दोनों एक ही तरफ हो गए, तो दूसरा ही यहाँ पे सही होगा। यहाँ पर जो हमारा अंतिम और दसवां प्रकार है, इसमें एक आकृति दी गई, इस आकृति को आपको पूरा करना है और इसके अंदर कौन सी ऐसी आकृति बिठाई जाए जो इस चित्र को बिल्कुल पूरा कर सके। यहाँ पर आप देखिए यहाँ नीचे भी कटना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये दूसरा केवल मिल पाएगा, अन्य कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 38। अब आप इसको देखिए पूरा अगर आप करेंगे तो पूरा करने में कौन सी आकृति इसके अंदर आप बिठा सकते हैं, तो 38वें में भी आप दूसरा ही यहाँ पर फिट करेंगे। अगर 39 की बात करें, इसको भी जब आप आगे बढ़ाएंगे, अब आप इसको सोचना कि इसमें कौन सी ऐसी आकृति है जिसको हम बिड़ाएं तो ये पूरा हो जाए। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा लंबा ले जाना है, तो पहले के अलावा अन्य कोई ऐसा चित्र नहीं है जिसे आप यहाँ पर मिला सकें। 40 में अगर आप बात करेंगे तो 40 में तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो आप किसको यहाँ पर मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पूरा एक कटा हुआ हो, थोड़ा सा आगे जा करके मिलना चाहिए, तो दूसरे के अलावा अन्य कोई ऐसा विकल्प आपके सामने नहीं है। कुल मिला के ये थे हमारे 40 प्रश्न। अगर ये 40 प्रश्न आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर इस वीडियो पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।